खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां पर सीकरी कस्बे में फिर से पथराव हुआ है। भाजपा प्रत्याशी जवाहर बेंढम की गाड़ी में ये पथराव हुआ है, जमकर तोड़फोड़ किया गया। और सीकरी के महात्मा गांधी विद्यालय का ये मामला है। घटना के वक्त जवाहर बेंढम पोलिंग बूथ पर थे मौजूद और घटना से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो आप देखिए कि लगातार इस तरह की खबरें सामने आई और एक बार फिर से दिग्गज सीकरी से खबर मिल रही है जहां पर सीकरी कस्बे में फिर हुआ है पथराव। बिल्कुल, देखिए ये लगातार मेरे ख्याल से खुशबू ये तीसरी घटना पथराव की जो है वो सामने आ चुकी है। वोटिंग के बीच बीच में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही थी और इसके बाद वोटिंग के बाद भी अभी तक भी इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही है। भाजपा प्रत्याशी जवाहर बेंढम की गाड़ी पे बताया जा रहा है कि पथराव भी हुआ है, जमकर तोड़फोड़ भी हुई है। सीकरी के महात्मा गांधी विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी में ये तोड़फोड़ की गई है। हालांकि चोट के और हताहत की जो अभी खबर है वो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन गाड़ी में तोड़फोड़ की सूचना जरूर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, पुलिस बल मौके पर मौजूद, मामले में तहकीकात की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तोड़फोड़ की तस्वीरें और सबसे पहले जी राजस्थान के पास ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे ये तोड़फोड़ की गई है और डिग के सीकरी का ये मामला है। सीकरी कस्बे में ये पथराव की घटना हुई और पथराव की घटना के बाद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। भाजपा प्रत्याशी जवाहर बेंढम की गाड़ी में ये बता दें कि तोड़फोड़ हुई है। और हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचा पाएंगे। देवेंद्र, क्या कौन के लोग थे जिन्होंने जो भाजपा प्रत्याशी हैं जवाहर बेंढम उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की है और क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है? देखिए, जिन लोगों पर तोड़फोड़ का आरोप है वो कांग्रेस के बताए जा रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक बताए जा रहे हैं। बाजी बच्ची जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके समर्थक बताए जा रहे हैं। सीकरी में अब से कुछ देर पहले जब दोपहर में भी इस तरह की वारदात हुई थी तब भी पथराव हुआ था और अब ये कुछ भाजपा प्रत्याशी जो जवाहर सिंह बेंढम है उनकी गाड़ी में पथराव हुआ है। जिस वक्त की घटना हुई उस वक्त पोलिंग बूथ पर मौजूद थे, पोलिंग बूथ के अंदर थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह की घटनाएं हुई सीकरी में, ताबर तो जिस तरह की चीजें हुई है उससे लगातार जिस कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। टीम पुलिस यहाँ पूरी तरह फेल होती नजर आई है। टीम के जो एसपी है ब्रजेश त्रिपाठी वो यहाँ पर कानून व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पाए, उनको नया जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे क्योंकि आज देखिए कि आज 25 तारीख आज मतदान सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा माकूल उसके बावजूद इस तरह से देखिए हौसले बुलंद। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से हौसले बुलंद है, लगातार पहले घटना होती है और उसके बाद फिर घटना होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डर और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई और इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। एसपी अब मौके पर पहुंच गए हैं, लगातार उच्च अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन ने इसकी शिकायत भाजपा ने की है और लगातार आरोप लगाया है कि हार की बाखवाट से कांग्रेस इस तरह की चीजें कर रही है, इस तरह के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा मामले में क्या कुछ कार्यवाही होती है, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए आरोप प्रत्यारोप और